डाइटिशियन मेहरीन नरगिस ने। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपने उनसे पूछा, आज हम मेहरीन क्या बताने जा रहे हैं लोगों को? सुंदर साहब, जैसे टॉपिक है, हम शुगर के हवाले से जो है बात कर रहे हैं, डाइट के अकॉर्डिंगली, जैसे कि होता है कि शुगर की मैनेजमेंट में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक आपकी मेडिसिन, नंबर टू आपकी डाइट, और नंबर थ्री आपका लाइफस्टाइल। तो आज एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है कि इसमें तमाम ही एस्पेक्ट्स मौजूद हैं। डॉक्टर साहब डाइट के मेडिसिन के हवाले से बताएंगे, मैं डाइट के हवाले से बताऊंगी। आज हम डाइट प्लान डिस्कस करेंगे कि वो तमाम लोग जो डायबिटीज़ का शिकार हैं और रोज़े भी रख रहे हैं, जो टाइप टू के जो पेशेंट्स हैं, उनको किस किस्म की ऐसी डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे कि वो सहरी भी एक हेल्दी तरीके से करें, अफ्तारी भी हेल्दी तरीके से करें, और उनके जो उनकी रोज़ा भी उनका अच्छे तरीके से गुजर जाए, और उनके जो ब्लड शुगर हैं वो उनके मेंटेन रहें। क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि डायबिटिक पेशेंट्स अपनी डाइट का इतना ख्याल नहीं कर रहे होते, उनको रोज़े भी रख रहे होते हैं और साथ में नॉर्मल रूटीन की चीज़ें, जैसे घर वाले अगर अफ्तारी में कोई जूसेस पी रहे हैं तो वो भी नॉर्मल जूसेस पी रहे होते हैं, वही फ्रूट्स यूज़ कर रहे होते हैं फ्रूट चार्ट में, जो कि सब घर वाले यूज करें, तो बहुत सिलेक्टिवली उन लोगों को क्या फ्रूट्स लेने चाहिए, किस किस्म के जूसेस इस्तेमाल करने चाहिए, किस तरह के शेक्स वो ले सकते हैं, आज सारा इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फूड आइटम्स हैं जो अपनी खुराक में अगर आप शामिल रखें, ये ऐसे कौन से हैं जो अवॉइड किए जाए जिससे आपके शुगर लेवल्स बैलेंस रहते हैं, और हम ये उन लोगों की बात करें जिनके अंदर एक्सट्रीम डायबिटीज बिल्कुल नहीं है। सुंदर, उसमें सबसे जरूरी चीज़ है कि सहरी की जहाँ हम बात करते हैं, सहरी में अगर आपने थोड़ा सा हैवी सहरी भी अगर कर लिया, आपने कोई शुगर वाले आइटम्स ले लिए हैं, तो इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके बाद आपने इतनी जो आपने फास्टिंग करनी है, आपके वो ब्लड शुगर लेवल उसके बाद मेंटेन हो जाते हैं। लेकिन जहां तक अफ्तारी और रात के खाने की बात है, आमतौर पर लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि अफ्तारी के साथ ही मैं वो खाना भी खा लेते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स को मैं इस चीज़ पे डिस्करेज करती हूँ, मैं उनसे कहती हूँ कि अभी जैसे आजकल 7:15, 7:20 तक अजानें हो जाती हैं, तो आप अफ्तारी के साथ में आप अफ्तारी करें, आप खाना अभी ना खाएं, आप थोड़ा गैप करके लें, आप 8:15 पे आप फिर डिनर करें, ताकि आपकी अफ्तारी और डिनर में थोड़ा सा गैप आ जाए। ये एक जो एक मामूल जो होता है, जो रूटीन होती है खाने के, स्पेशली जो टाइमिंग्स हैं और जो पोर्शन साइज है कि हम कितनी मिकदार में कोई चीज़ इस्तेमाल करें, क्या खा रहे हैं और कितनी मिकदार में खा रहे हैं, किस वक्त खा रहे हैं, ये तीन चीज़ें जो हैं शुगर के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर सहरी की हम बात करें, तो सहरी में डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं, और इसके साथ में जो है तो आप प्रोटीन्स का जो ब्लेंड है वो आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप एग सहरी में ले सकते हैं, इसके अलावा आप खुश्क रोटी जो खालिस चक्की के आटे की होती है वो, या फिर ब्राउन ब्रेड के साथ में आप सहरी कर सकते हैं। ऑयल का आपने कम से कम इंतखाब करने के, नहीं कि आप ब्राउन ब्रेड के साथ में फिर अभी आप ऑमलेट बना रहे हैं उसमें चीज़ डाल रहे हैं और इतना हैवी किस्म का, आपने बिल्कुल लाइट सा आपने ओलिव ऑयल में बनाना है। साथ में योगर्ट, जो स्किम योगर्ट होता है वो ले सकते हैं, या बिल्कुल हल्की सी नमकीन, थोड़े से नमक वाली लस्सी जो है वो बहुत ज़्यादा एक सूदिंग इफेक्ट, बहुत कूल इफेक्ट वाली जो है सहरी हो सकती है। अफ्तारी में जैसे हम जाते हैं, अफ्तारी में भी आपने जैसे मैंने कहा कि जूसेस का एकदम से लोगों का होता है कि जूसेस बहुत सारे पी रहे होते हैं, और जहन में कहीं ये कॉन्सेप्ट होता है कि सारे दिन रोज़ा रखा था तो थोड़ा सा जूस पी लिया तो कुछ भी नहीं होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? तो ये वो चीज़ें होती हैं कि आप बेशक एक या दो ग्लास आप जूस भी पी लें, आप खजूर लेना चाहते हैं आप आधी या एक खजूर भी ले लें, ये डिपेंड करता है कि आपकी शुगर कितनी है। अगर आप बहुत ज्यादा हाई शुगर के पेशेंट हैं, फिर आपने डेफिनेटली जो हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फूड्स हैं उनको भी कम से कम आपने लेना है। फ्रूट चाट आप लें, बिल्कुल एक स्मॉल मीडियम बोल से आप फ्रूट चाट ले सकते हैं, आप चना चाट ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप वहां पर भी रोल्स लें, कचौरी, समोसे, पकौड़े, फ्राइड चीजें, डेफिनेटली इनको तो आपने 100% आपने अवॉइड करना है। वो चीजें जो कि ब्राउन ब्रेड का सैंडविच हो गया, इस तरह की कोई चीज हल्की फुल्की सी आप ले सकते हैं। फ्रेश जूसेस में जैसे कि आप एक एप्पल के साथ में, मैं हमेशा कहती हूँ कि स्क्वीज किए हुए नहीं फ्रेश जूस, तीन चार सेब का, एक सेब, एक ग्लास पानी, और उसको हल्का सा आपने ब्लेंड कर लिया वो आप जो है तो जूसेस ले सकते हैं। हाफ पीच के साथ में, यानी आधे आड़ू के साथ में आप एक ग्लास ब्लेंड आप जूस बना सकते हैं, वो अफ्तारी में ले सकते हैं। लस्सी, नमकीन लस्सी, वो आप अफ्तारी में ले सकते हैं, या कोई मिल्क शेक वगैरह ले सकते हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसमें कि आप वैरायटी ऑफ आइटम्स खा सकते हैं। अगर हम ये कहें कि आपने आम और केले वाला आपने फ्रूट चाट खाया, तो आप एक फ्रूट चाट खाएं, बस वो आपके लिए इनफ है, और कुछ भी नहीं खाना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं तीन चार आइटम्स और भी लूं, तो फिर आपने बहुत वाइजली, बहुत सिलेक्टिवली चीजों का इंतखाब करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डाइट की वजह से है, मतलब ज्यादातर इसका जो है स्ट्रेस और एंजाइटी तो है ही। आजकल के बच्चों को जितनी स्ट्रेस और एंजाइटी है ओ ए लेवल्स में या मैट्रिक में, उतनी शायद पहले नहीं होती थी। पहले पढ़ाई होती थी, निकलना था, पास होना था, जॉब करनी थी, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। और इसके अलावा
डाइट भी जो है इसमें सुंदर, इसमें सिर्फ एक डाइट के तो मैं नहीं कहूंगी, ये हमारा जो एक कंप्लीट जो हमारा एक लाइफस्टाइल बन गया है उसमें ये सभी चीजें हमारी इन्वॉल्व हो गई हैं। अगर डाइट देखें तो वो हमारी कोई नेचुरल नहीं है, जंक की तरफ हम बहुत ज्यादा चले गए हैं, ऑर्गेनिक फूड से हम बहुत दूर हो गए हैं, हमारा स्लीप साइकिल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है, नींद जो हमारी एक रिकमेंडेड होती है हम उस अपने नींद के पैटर्न को पूरा नहीं कर रहे होते, फिर आपकी जो फैमिली हिस्ट्री होती है वो भी इसमें काफी हद तक अमल दखल इसमें रखती है, हमारा स्ट्रेस लेना, एंजाइटी करना, ओवरलोड करना अपने आप को, और सबसे ज्यादा जो हम कहते हैं कि हेल्दी एक्टिविटीज जैसे वॉक और एक्सरसाइज की जो एक्टिविटी, कितने लोग हैं जो रोजाना वॉक करते हैं, कितने लोग हैं जो रोजाना एक्सरसाइज करते हैं, जब हमारी डाइट बढ़ जाती है, कैलोरी इनटेक बढ़ जाती है और कैलोरीज का बर्न होना यानी कि फिजिकल एक्टिविटी का कम होने का अमल होता है तो वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है, और फिर छोटे छोटे बच्चे जब वेट भी गेन कर रहे हैं, स्ट्रेस भी ले रहे हैं, एंजाइटी भी है, नींद भी उनकी ठीक नहीं, डाइट भी उनकी ठीक नहीं, यानी कि कंप्लीट सुबह से रात तक उनकी कोई भी कोई वॉक एक्सरसाइज नहीं है, तो अल्टीमेटली वो जाहिर है कि रिस्क फैक्टर्स की तरफ, बीमारियों पे तो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों का ब्लड प्रेशर हाई होता है, आप देखें आमतौर पे ऑफिस में काम करने वाले मोस्टली लोग आपको कहते हैं जी मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, बिल्कुल, क्यों, जॉब का स्ट्रेस इतना ज्यादा है, जॉब टाइमिंग्स इतने ज्यादा है, वर्क लोड इतना ज्यादा है, तो डाइट, स्ट्रेस, फिजिकल एक्टिविटी का ना होना, ओवरवेट होना, ये कंप्लीट ये तमाम चीजें, यानी हम सिर्फ एक डाइट को पकड़ के या एक मेडिसिन को पकड़ के नहीं, ये कंप्लीट लाइफ स्टाइल है। फिर लोगों का डॉक्टर की तरफ कम रुझान होना, यानी हमारे यहाँ पर ये है कि जब तक कि कोई चीज बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे नहीं चली गई डॉक्टर के पास नहीं जाना, आपको जैसे ही कोई चीज फील होती है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर कुछ टेस्ट लेट देंगे या कोई मेडिसिन हो जाएंगे, या बहुत लोगों को इस चीज का डर होता है कि मैं जाऊंगा टेस्ट करवाऊंगा कहीं मेरी शुगर ही ना निकल आए, ठीक है ना, तो इस खौफ से भी बहुत से लोग इस चीज को अवॉइड कर रहे होते हैं, तो आपको अवॉइड नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा एक्टिवली आप जाएं, जैसे रोजों से पहले आप स्टार्ट करें, स्क्रीनिंग अपनी प्रॉपर करवाएं, और उस हद तक ना जाएं कि मामला बिल्कुल ही बिगड़ जाए, आपको पता है मेरा वेट गेन हो रहा है तो क्या ये जरूरी है कि आप 25-30 किलो ओवरवेट होंगे तो फिर आप ये सोचेंगे कि अब मैंने अपने आप को कम करना है या अब मैंने वॉक एक्सरसाइज शुरू करनी है, मतलब ये बेसिक बेसिक चीज है, तो आजकल हर किसी को इतनी अवेयरनेस हो गई है कि लोगों को इतना तो पता है कि वजन बढ़ेगा, नींद खराब होगी, स्ट्रेस लेंगे तो बीमारियां होंगी, तो आप कम से कम अपने आप को थोड़ा हेल्दी ईटिंग की तरफ लेकर जाएं, अपने वेट को कंट्रोल करें, अपने खाने पीने को कंट्रोल करें, अपने सोने जागने को अवॉइड करें, अपना मिलना मिलाना आप ठीक करें, तो ये कम्प्लीट एक ब्लेंड जब बनता है तो आप एक हेल्दी लाइफ की तरफ आते हैं। साथ साथ करते हैं, मैं चलूंगी महरीन के पास, हमारा डाइट प्लान जो है वो भी तैयार हो चुका है। बिल्कुल जी मिस, जैसे कि प्रोग्राम के स्टार्ट में हमने बात की थी कि आज हम डाइट प्लान करेंगे डायबिटिक पेशेंट्स का, कि सहरी, अफतारी और रात के खाने में वो क्या चीज लें। अच्छा, ये जो डाइट प्लान मैंने बनाया है ये एक हेल्दी वेट एक इंडिविजुअल का है, जैसे फीमेल्स हैं अगर 60-65 केजी वेट रखती हैं, या फिर अगर मेल्स हैं तो 70-80 केजी अगर वेट रखते हैं। 65 इज हेल्दी, यानी फीमेल्स के लिए जो मतलब 5'5" 5'6" हाइट के साथ है उनके लिए 55-60 केजी मतलब ठीक है, अगर मैरिड हैं या 2-3 बच्चे हैं तो फिर उसके बाद 65 केजी तक भी हम उनको हेल्दी वेट कंसिडर करते हैं, मेल्स के लिए 75-80 केजी अगर वेट है तो वो ये डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं। अच्छा जी, डाइट प्लान के साथ में जैसे मैंने कहा था कि प्रॉपर वॉक, एक्सरसाइज, मेडिसिन और स्लीप का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्लीप, यस, वी कांट कंसंट्रेट इनफ, बिल्कुल, क्योंकि रोजों में देखें नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है और आपकी नींद का जो अमल है वो आपने कोशिश करना है कि इसको आप पूरा करें। सहरी में आपने क्या चीज करनी है, 4 आइटम्स आपने यूज करने हैं, ब्राउन ब्रेड आपने लेना है 2 स्लाइसेस, या फिर वो लोग जो ब्राउन ब्रेड यूज नहीं करते वो इसकी रिप्लेसमेंट में खुश चपाती लेकिन खालिस चक्की के आटे की, पराठा नहीं, 1 चपाती इन्होंने यहाँ पर यूज करनी है। इसके साथ में इन्होंने कोई भी प्रोटीन की चीज हमने लेनी है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स का ब्लेंड जरूरी है, 2 एग व्हाइट जर्दी निकाल के, इसका बिल्कुल हल्का सा आपने ओलिव ऑयल में आपने ऑमलेट बना लिया 2 एग व्हाइट का, और या फिर अगर आप ये नहीं लेना चाहते तो आप चिकन मिंस्ड मीट विद वेजिटेबल, कोई सी भी सब्जी आप चिकन मिंस्ड मीट के साथ में कीमा सब्जी बना के 1 प्लेट आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके साथ में आपने क्या चीज करनी है कि योगर्ट आपने ले लेना है, लेकिन ये स्किम योगर्ट होना चाहिए, मार्केट में कुछ योगर्ट है जो मीठे होते हैं वो आपने अवॉइड करने, खुद से या तो जमा लें या फिर जो है आप इसको स्किम वाला जो मिल जाता है वो आप लें, या आपने हाफ कप लेना है, अगर आप चाहें तो हाफ कप योगर्ट के साथ में आप कोई सॉल्टिश लस्सी भी बना सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद आपने 4 ग्लास जो है तो पानी आपने पी लेना है, सहरी के बाद आपने रोजे की नियत कर लेनी है। अफतारी के बाद जैसे मैंने कहा था अफतारी और रात के खाने में थोड़ा सा वक्फा होना जरूरी है,
है, कोशिश करें कि ये तमाम चीजें एक साथ ना खाएं। देखिए यहाँ पे तीन चीजें हैं और तीन, ये छह आइटम एक साथ खाएगा शुगर का पेशेंट तो उसका क्या हाल होगा अफतारी के साथ ही। आपने क्या करना है, एक खजूर आपने लेनी है रोज अफतार किया, उसके बाद में आपने फ्रेश लेमन शिकंजमीन बना लेनी है, इसमें नमक काली मिर्च डालें, नमक भी बहुत कम क्योंकि बाद डायबिटीज के साथ में पेशेंट ब्लड प्रेशर का भी पेशेंट होता है, तो उस सूरत में नमक आपने कम लेना है। और चीनी की जगह पे आप कोई भी आर्टिफिशियल स्वीटनर, अगर वैसे तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में हम ज्यादा रिकमेंड नहीं करते, लेकिन अगर आपसे मीठा नहीं पिया जाता तो आप एक टैबलेट यूज कर सकते हैं या फिर बेहतर है कि उसका इस्तेमाल भी ना करें। अच्छा जी, कुछ लोग कहते हैं कि चीनी नहीं हम शक्कर का इस्तेमाल करते हैं, तो शक्कर जो है शुगर के पेशेंट के लिए शक्कर भी इजाजत नहीं होती क्योंकि शक्कर भी आपकी बॉडी के लिए शुगर में नुकसानदेह होती है। इसके साथ में चना चाट या फिर दही भल्ले या फिर फ्रूट चाट आपने लेने हैं वन कप, तीनों में से कोई एक चीज। अगर आप दही भल्ले ले रहे हैं तो इसमें पकौड़े आपने ऐड नहीं करने, वो जो बने बनाए होते हैं दही बूंदी वो आपने हल्का सा पानी में डाल के उसको अच्छा सा सोक कर लेना है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए, फिर पीछे जो है वो आपने योगर्ट में डालनी है। और फ्रूट में आजकल के सीजन में आम, केला और खरबूजा, बिलखसूस अंगूर वगैरह, ये आपने फ्रूट चाट में अवॉइड करने हैं, केला आम खरबूजा ये फ्रूट जो है आपने फ्रूट चार्ट में अवॉइड करने हैं, या फिर अगर आप डालना चाहें तो बहुत कम मिकदार में ताकि सिर्फ फ्लेवर आ जाए। अच्छा जी, पानी फिर से चार ग्लास सैरी में, सॉरी यहाँ पे जरा इंटरप्ट करूंगी कि आम जो है जिस तरह फ्रूट्स में जनरल कॉन्सेप्ट है कि गुड शुगर्स होती हैं, फ्रूट शुगर, तो उसमें भी ऐसे कुछ फ्रूट्स हैं जो आपकी शुगर को इफेक्ट कर सकते हैं? शुगर को बिल्कुल इस तरह से इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने कहा कि हर फ्रूट को भी एक जीआई नंबर होता है, ग्लाइसीमिक इंडेक्स, यानी हर फूड आइटम का एक नंबर होता है, तो जो लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स फ्रूट्स होते हैं हम उनको ज्यादा रिकमेंड करते हैं और जो हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स फ्रूट्स होते हैं हम उनको अवॉइड करते हैं। तो केला, आम और ये तमाम वो फ्रूट्स हैं जिसमें ज्यादा शुगर पाई जाती है। और आप देखिए इसकी निस्बत, एक आड़ू आपको इतना मीठा नहीं लगेगा लेकिन एक आम आपको ज्यादा मीठा लगेगा, तो फिर उसमें मिकदार इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक आध काश डालना चाहते हैं तो आप आम भी यूज कर सकते हैं, आप एक जो हम कहते हैं कि एक स्लाइस आप लेना चाहें तो आप खरबूजे का भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मिकदार का कंट्रोल, जैसे मैंने कहा था क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं और कितनी मिकदार में खा रहे हैं, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, उसके बाद आपने डिनर कर लिया, यहाँ पर भी आपने एक चपाती खालिस चक्की के आटे की, या फिर अगर आप राइस ले रहे हैं तो बॉइल राइस लेंगे, और बेहतर है कि आप ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें, व्हाइट राइस की जगह पर ब्राउन राइस का इंतखाब करें। इसके साथ में आपने क्या किया, 100 ग्राम्स आपने ले लिया चिकन, या फिर फिश भी ले सकते हैं, गुड प्रोटीन्स आपने लेनी है, और इसके साथ में सब्जी या दाल का किसी भी चीज का ब्लेंड बना लें, जैसे आपने मटर कीमा जो है आपने ले लिया, या फिर आपने चिकन के साथ में कोई सब्जी आपने मिला ली, ये आपने वन प्लेट लेनी है। साथ में कोशिश करें कि फ्रेश सैलड्स जो है आप ज्यादा से ज्यादा लें, फाइबर इनमें बहुत ज्यादा अच्छा होता है, गुड आपकी एपिटाइट को भी कंट्रोल करता है। फ्रेश सैलड आप लें वन कप, और फिर से आपने वाटर इनटेक करनी है 4 ग्लास की। इसके साथ अगर आप बेड टाइम पे चाहें तो आप इसके मिल्क वगैरह भी ले सकते हैं, या कोई ग्रीन टी वगैरह आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, वाटर इनटेक कवर होगी, 4-4-4 आपने आराम से 12 ग्लास पानी पिया, डाइट आपकी कवर होगी, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, क्या चीज है जो इसमें नहीं है, हर चीज है लेकिन एक मिकदार में, एक तनासुब में, एक खास वक्त में। जबरदस्त, ये डाइट प्लान भी हमने आपको बता दिया। और एक जो है बात में पूछा, जब ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक से वापस आते हैं, मैं पूछूंगी शुगर और एनर्जी का क्या आपस में कोई डायरेक्ट जो है रिलेशन है, और जो लोग शुगर बहुत कम कर देते हैं क्या वो उनकी एनर्जी लेवल भी बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता है, तो थोड़ा सा जो है इट्स नॉट नॉर्मल, मेरी ना आप बताएं आपको इससे है कि वो दही खट्टा ना हो, कि इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ना उसकी शेल्फ, फ्रेश दही, फ्रेश दही लेके आई थी मैं तो अपनी तरफ से, बड़ा अच्छा फ्रेश दही लेके आई थी, वो खराब ही नहीं हो रहा और मैं डर गई हूँ कि ये मुझे पता नहीं क्या है उसके अंदर। हो सकता है कि उसको जो टेम्परेचर है वो आपने जैसे कहा कि फ्रिज है बहुत बैक साइड पे आपने रखना, हो सकता है वो सही वो ठंडा रहा हो वहाँ पे कूल, लेकिन किसी और का अगर ऐसा एक्सपीरियंस है तो प्लीज, बैक्टीरिया का एक अपना फंक्शन होता है ना, उसके बाद तो वो दोबारा मजीद वो तो खराब होना, खट्टा हो जाना चाहिए, जितना आपका रोब है शायद बैक्टीरिया भी डर गए हों मेरे रोब से, क्या ही बात है अगर मैं इतना लंबा खाना जो चला सकूं। एक और जो है सवाल मैं पूछ रही हूँ उसके बाद जो है रात्रि के शुगर और जो कैलोरी इनटेक है, जो एनर्जी है जो आपको पड़ा बोलते, इनका क्या आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब इस शुगर कैलोरीज या ये डिफरेंट है, मतलब अगर मैं शुगर हटा दूं तो? कैलोरीज तो बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं क्योंकि आपके जो 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो आपको 4 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसी तरीके से आप 100 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आप यूज करते हैं तो वो तकरीबन आपकी 400 किलो कैलोरीज तक आपके लिए जाती है, लेकिन वो चीज है कि आपने अपनी डेली इनटेक की परसेंटेज आपने रखनी है कि तमाम की तमाम एनर्जी, कैलोरीज क्या है, एनर्जी है, फ्यूल है, तो तमाम की तमाम आपने एनर्जी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं रखनी, प्रोटीन भी आपको 4 किलो कैलोरी
कैलोरीज देते हैं, फैट्स पे आपको 9 किलो कैलोरीज देते हैं, तो आपने उनका एक कंप्लीट ब्लेंड रखना है. ठीक है, तो पर डे ये आपने बैलेंस्ड, बिल्कुल 250 टू 350 ग्राम्स पर डे की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स की होती है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये 200 250 ग्राम्स पर डे पे कम हो जाती है, फिर वहां पर हम फिर प्रोटीन्स और दूसरी चीजें फिर इंक्रीज कर देते हैं. ठीक है.